जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि गवर्नर हाउस में टेस्ट हो रहे हैं और वो पेपर लीक हो गया है, और पेपर में कौन कौन से सवाल आते हैं मैं पार्ट वाइज बनाऊंगी, ए पार्ट, बी पार्ट, सी, इस तरह सर करके मैं वीडियोस बनाऊंगी। आप लोग इसलिए अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आपको पहले ही बता दूँ 20 क्विज आ रहे हैं, 40 मिनट में सॉल्व करने हैं। वैसे तो 40 मिनट का टाइम है पर वहाँ पर थोड़ा सा जल्दी करवाया जाता है और 30 मिनट के अंदर अंदर कहते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसके लिए आपको अपनी पोर्टल में ईमेल आईडी और पासवर्ड याद होना चाहिए, या आप घर से याद करके जाएं, और अगर आप लोग पासवर्ड भूल गए हैं तो चेंज करके जाएं। अब चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो सबसे पहला क्वेश्चन हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज फॉर स्ट्रिंग इक्वलिटी इन टाइपस्क्रिप्ट। ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो टू है, जिसमें हमारे 3 दफ़ा इज इक्वल्स टू आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हैगा, वॉट डज द टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न फॉर अ नल वैल्यू इन टाइपस्क्रिप्ट। हम किसी भी ऑपरेटर को वैल्यू देते हैं और तो हमारे पास रिटर्न में वैल्यू क्या आती है, ऑब्जेक्ट आती है। तो इसका करेक्ट आंसर हैगा 3, ऑब्जेक्ट। काफी लोग इसका आंसर लगा रहे हैं अनडिफाइंड या नल, जबकि इसका करेक्ट आंसर हैगा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिक्लेयर एन एरो फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। इसका आंसर हैगा आंसर नंबर 4, कॉन्स एड इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ए कलोन नंबर कॉमा बी कलोन नंबर ब्रैकेट क्लोज कलोन नंबर एरो ए प्लस बी। ये इसका करेक्ट आंसर हैगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर एन इंटरफेस इन टाइपस्क्रिप्ट। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हैगा, इसमें आएगा इंटरफेस पर्सन कर्ली ब्रैकेट नेम कलोन स्ट्रिंग, फिर आप लोगों ने सेमी कॉलम लगाना है, एज कलोन नंबर सेमी कॉलम और कर्ली ब्रैकेट। ये इसका करेक्ट आंसर हैगा। अगर आप लोगों ने कोडिंग पढ़ी है तो अच्छे से तो आप लोगों को ये आंसर सबसे पहले ही दिमाग में आ गया होगा। पहले ही आपको पता है नेम में हम स्ट्रिंग देते हैं और कोई भी एज या कुछ भी होता है तो उसमें हम नंबर देते हैं। जब भी हम इंटरफेस वाला क्वेश्चन करते हैं तो ना उसमें इंटरफेस पर्सन जैसे लिखा है ना उसके बराबर में इज इक्वल्स टू आता है और ना ही कॉलन लगता है, तो ये इसकी पहचान है आंसर की। 5th क्वेश्चन हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड वे टू डिफाइन अ फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। इसका आंसर हैगा 1, फंक्शन एट ब्रैकेट ए कलोन नंबर कॉमा बी कलोन नंबर ब्रैकेट क्लोज कलोन नंबर, फिर आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट रिटर्न ए प्लस बी। उसमें हमने रिटर्न नहीं करना है जब हम डिक्लेयर करेंगे, जब हम डिफाइन करेंगे तो हमने क्या करना है, अपना रिटर्न को मेंशन करना है। 6th क्वेश्चन हैगा, हाउ डज स्ट्रक्चरल टाइपिंग वर्क इन टाइपस्क्रिप्ट। तो इसका आंसर जो है 1 करेक्ट हैगा, बाय चेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप फॉर कैपेबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाता है 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ बूलियन वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट। तो इसका आंसर 1 करेक्ट हैगा, जिसमें आता है लेट इज डन क्लोन बूलियन इज इक्वल टू ट्रू। लिखने के लिए हम कैमल वर्ड यूज करते हैं तो इसलिए इसके बाद डी बड़ा आएगा डन के लिए, और हमें पता है बूलियन में या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है, तो ये वाला वे जो है फर्स्ट वाला वो लिखने का तरीका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हाउ डू यू डिक्लेयर अ ट्रिपल टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। तो इसका आंसर 1 करेक्ट है, लेट टम्पल कलोन स्क्वायर ब्रैकेट नंबर कॉमा स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलोन। सो आगे भी इस तरह की बहुत सी मैं वीडियोस डालूंगी, मेरे पास तकरीबन तमाम ही पेपर लीक हो गए हैं और मेरे जो चैनल पे तमाम पेपर्स आएंगे वो ऑथेंटिक आएंगे,
और जिन्होंने पेपर दिया है वो उस भी कमेंट करके आप लोग लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ ये पेपर करेक्ट है या नहीं है, उनके में ये क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले। जजाकल्ला।